वेलकम बैक विद इन अदर एक्साइटिंग ट्यूटोरियल सो इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप फ्लटर के अंदर स्ट्राइप पे स्ट्राइप पेमेंट इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं ठीक है सो इट्स रियली सुपर ईजी सुपर ईजी ऑल यू जस्ट नीड टू डू जस्ट टू फॉलो दिस टियल बिकॉज इसमें कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपसे मिस नहीं होने चाहिए ठीक है अगर वो आपने मिस कर ली है तो ऑबियसली यू विल एंड आपके आपके पास कोई ना कोई बग आ जाएगा कोई ना कोई एरर आ जाएगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा ठीक है सो कोई भी शॉपिंग ई कॉमर्स ऐप हो एज यू एज यू नो दैट इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप उसके अंदर पेमेंट इंटीग्रेशन मैथड सेटअप करें बिकॉज दे यू हैव क्लाइंट्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ओके सो फ्लटर के लिए इस टाइम सबसे जो बेस्ट पेमेंट मैथड अवेलेबल है वो है आपके पास स्ट्राइप ओके सो स्ट्राइप की हमारे पास प्लग इन अवेलेबल है एंड बिफोर आई एम गोइंग टू स्टार्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है बट इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है कुछ चेंजेस करनी है सो आई वांट यू टू स्टे विद मी ओके सो लेट्स गो टू क्रोम ओके अगर आपके पास गूगल क्रोम है आप गूगल ओपन कर लें सिंपल ओके एंड आप टाइप करें स्ट्राइप ओके सो दीज आर दैकेजेज दीज आर द डिपेंडेंसीज दैट वी आर गोइंग टू यूज़ और इसको हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर एड करेंगे ठीक है so, सो यहाँ पर आप लिखें स्ट्राइब फ्लटर ओके सो इफ यू सी यहाँ आपके पास दो डिपेंडेंसीज आ रही हैं द वन इज़ दिस वन ओके आप इन दोनों को ओपन कर लें वन ऑफ दिम इज़ डिस कॉन्टिन्यू मेक श्योर कि आप वो यूज़ ना करें ओके सो यहाँ पर अब आप देखें तो आपके पास ये लिखा हुआ आ रहा है कि यहाँ पर ओके लेट मी चेक ओके सो दिस वन इज़ डिसकंटिन्यू, स्ट्राइप पेमेंट ओके 1.1.4 दिस वन इज़ डिसकंटिन्यू, बट यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास है फ्लटर स्ट्राइप 2.0.0, ओके अब आप यहाँ पर इंस्टॉलेशन पर आ जाएं, बाय द वे आप इसकी ये रीड में ये सारी आप रीड कर सकते हैं बट आप इसकी इंस्टॉलेशन पर आ जाएं एंड यहां से आपने ये डिपेंडेंसी वाला पैकेज जो है इसको कॉपी करके ओके okay, एंड आपका मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है आप देख सकते हैं ठीक है इट्स सिंपल आप यहां पर हमने अपनी इस होम um, को अपनी ये स्क्रीन पास की है ओके okay? नाउ आप पब्सपैक डॉट यामल फाइल के अंदर यहाँ पर आ जाएं ओके एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपर आइकन इसके नीचे आप ये फ्लटर स्ट्राइप पेस्ट कर दें ओके सो आई वांट यू टू स्टे विद मी बिकॉज यहाँ पर अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फर्गेशन करेंगे ओके नाव इनदर आपने जो यूज़ करनी है वो है एच ओके okay? आप सिंपली यहाँ पर एच uh, लिखें सर्च में ओके okay? यहाँ से इंस्टॉलेशन आपके पास आ गया एंड आप इसको यहाँ से कॉपी करके आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको यहाँ पर ऐड कर दें ओके okay? ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है ओके जस्ट होल्ड लोन अ सेकेंड आप यहाँ पर टर्मिनल में आ जाएं। ओके एंड यहाँ पर आप सिंपली टाइप करें फ्लटर पब गेट ओके फ्लटर पब गेट ओके एंड दे एंड देन यहाँ पर अगर आपके पास एग्जिट कोड ज़ीरो आ गया है इट मीन्स आपकी ये डिपेंडेंसीज यहाँ पर ऐड हो गई हैं ठीक है नाउ अब हमने एंड्रॉयड के लिए कुछ कॉन्फ्रिगेशनस करनी है सबसे पहले आपने क्या करना है जस्ट वेट यहाँ पर आपके पास एग्जिट कोड जो है वो ज़ीरो आ जाए बट उससे पहले आपने क्या करना है आपने यहाँ पर अपनी बिल डॉट ग्रिडल फ़ाइल के अंदर आना है ओके okay? यहाँ पर देखें ये आपके पास ऐड uh, हो गई है नाउ अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ अब आप यहाँ पर आ जाएँ एंड्रॉयड ओके एंड्रॉयड में आपकी ये जो बिल डॉट ग्रिडल फाइल है ओके okay, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास कॉटलिन वर्जन है 1.3.5.0 मे बी आपके पास ना हो बट आप यहाँ पर मेक श्योर sure कि ये 1.5.0 से अबव हो ठीक है uh, या 1.5.0 हो या 1.5.0 से अबव हो इन इन बोथ द केसेस एट सपोज इफ यू हैव कॉटलिन वर्जन 1.3.0 देन इट्स गोइंग टू क्रैश ओके इट्स नॉट गोइंग टू वर्क इट नॉट गोइंग टू बिल्ड यूर प्रोजेक्ट सो मेक श्योर आप कोटलिन वर्जन वन पॉइंट फाइव पॉइंट ओ यूज़ करें ओके सो दिस वॉज द वन चेंज द सेकेंड वन इज़ अब आप इस ऐप के अंदर ये जो फोल्डर है आप इसको ओपन कर लें देन ये जो सोर्स के अंदर बिल्ड ऑट ग्रिडल फाइल है ओके आपने यहाँ पर ये जो मिनिमम एस डी के है आप मेक श्योर sure इसको आप सिक्सटीन से ट्वेंटी वन कर दें विकॉज फ्लैटर सपो स्ट्राइप पेमेंट सपोर्ट मिनिमम एस डी के ट्वेंटी वन ओके okay, देन आपने आई के लिए क्या करना है आई के लिए आपकी जो पॉट फाइल है ओके जस्ट हो ऑन अ सैकेंड एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास जो प्लेटफॉर्म है ओके okay, प्लेटफॉर्म आप इसको यहाँ पर 11 सजेस्ट कर लें बिकॉज इट्स सपोज इट सपोर्ट्स आई ओ एस एलेवन ओके अबव आई नॉट बिलो दिन दैट ओके सो आप इसको यहाँ से क्लोज कर दें सो वी आर डन विद दिस दिस फेज नाउ लेट्स गो टू स्ट्राइब डॉट कॉम ओके अगेन आप गूगल में यहाँ पर आ जाएं ओके okay? आप यहाँ पर स्ट्राइप लिखें स्ट्राइप इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट गूगल स्ट्राइप पेमेंट इन आवर फ्ल्टर एप यू नीड इन स्ट्राइप अकाउंट ओके सो लेट सपोज अगर आपके पास एक ऐसे कंट्री में है लेट सपोज इन इफ़ यू आर इन पाकिस्तान यहाँ पर स्ट्राइप का कोई पेमेंट मैथड अवेलेबल नहीं है ठीक है या आप किसी और कंट्री में है जहाँ पर स्ट्राइप का पेमेंट मैथड अवेलेबल नहीं है इन दिस केस यू नीड टू डू यू नीड टू आस्क यूर क्लाइंट दैट ही विल प्रोवाइड यू यूर स्ट्राइप अकाउंट ठीक है इफ़ यू इफ़ यू हैव द स्ट्राइप अकाउंट आफ्टर स्ट्राइप स्ट्राइप अकाउंट आप क्रिएट कर लेंगे उसके बाद आपके पास कुछ कीज़ uh, होती हैं वो कीज़ क्या होती हैं वो मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ बट आपने यहाँ पर आना है स्ट्राइप ओके स्ट्राइप को आपने ओपन कर लेना है अगर आपका अकाउंट नहीं है आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है ओके okay? यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्राइप लेट मी जस्ट ओपन दिस साइन इन पेज स्ट्राइप डैशबोर्ड ओके सो जस्ट होल ओन अ सेकेंड ओके सो या यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साइन इन क्यू पर आ गया है ओके सो यहाँ पर अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर लॉग इन था सो so, यो यहाँ पर आ चुका है ओके जस्ट मी लॉग आउट ओके एंड देन मैं अगेन यहाँ पर लॉग इन होता हूँ सो so, Uh, आप लोगों को uh, प्रोसीजर की समझ आ ओके okay, देखिए यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी ईमेल है ओके okay? यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं लॉग इन हो गया हूँ ओके इट इज़ जस्ट साइनिंग मी साइनिंग इन ओके सो यहाँ पर आपको ये डैशबोर्ड के ऊपर लेकर आ जाएगा दिस इज़ हाउ इट लुक लाइक्स ओके देयर डैशबोर्ड। नाउ इफ़ यू सी वी हैव हेयर डिवेलपरस ऑप्शन ओके आपने यहाँ पर ये यह जो डिवेल्पर ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है ओके okay, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर देखें तो आपके पास ये साइट पर ए कीज़ हैं वेब हुक्स हो, इवेंट्स लॉग्स ओके okay? यहाँ पर लॉग्स के अंदर आपको तमाम लॉग्स आते हैं जो आप पेमेंट इनिशिएट करते हैं आप ट्रांजैक्शन किसी दूसरे बंदे को आप कुछ आ, पेमेंट भेजते हैं ओके okay? सो so उसके तमाम लॉग्स या कोई कैंसिल हो जाती है वो यहाँ पर आपके पास आती हैं देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है आपके पास ए कीज़ वन इज़ पब्लिशर की एंड अनदर वन इज़ सीक्रेट की ओके सो ये जो सीक्रेट की है या आपने किसी के साथ रिवील नहीं करनी ओके okay? um, मैं यहाँ पर जब प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा तो मैं एडिटिंग के दौरान इन चीज़ों को हाइड कर दूंगा बट दिस वन इज़ योर पब्लिश की एंड दिस वन इज़ योर सीक्रेट की ओके ये जा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पब्लिश की की और सीक्रेट की के थ्रू आप पेमेंट की जो ट्रांजेक्शन है वो आप करेंगे ठीक है सो नाउ लेट्स गो टू आवर ऐप आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को कोई इशू नहीं हुआ होगा बिकॉज इट इज प्रिटी सिंपल एंड लेट्स गो टू अवर प्रोजेक्ट ओके नाउ अब आपने यहाँ पर आपका जो मेन मेन डॉट डार्ट फाइल है ओके okay, यहाँ पर आपने आ जाना है ओके okay? जब यहाँ पर आप आएंगे ओके जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड ओके जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड यहाँ पर आपने अपनी पब्लिश की जो आपकी स्ट्राइप अकाउंट में मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई थी ओके okay? वो आपने अब यहाँ पर मेंशन करनी है ये अगर आप स्टार्ट में मेंशन नहीं करेंगे तो आपके पास एरर आएगा विच यू डोंट वांट दैट ओके सो यहाँ पर अभी आपने क्या करना है ये जो आपकी मेन है ओके okay? इसको आपने ए सिंह कर देना है ओके okay? ए के बाद आपने मेक श्योर sure करना है कि आपके जो विजिट हैं वो आपके विजिट्स जो हैं वो विजिट्स इनिशलाइज हैं ठीक है विजिट्स ओके फ्लटर बाइंडिंग डॉट इंश्योर इनिशियलाइज जस्ट लोन सेकेंड वाई आई आई डोंट स्टॉट हैंग ओके विजिट्स बाइंडिंग डॉट इन्श्योर इनिशलाइज ओके नाव अब यहाँ पर आपने क्या करना है आपने यहाँ पर इम्पोर्ट करना है स्ट्राइप लाइब्रेरी को ओके okay. ओके वन एन अदर थिंग अगर आपके पास आपने प्रोजेक्ट रन किया है और आपके पास यहाँ पर स्ट्राइप की वो पिकअप नहीं हो रही तो मेक श्योर sure जब आप यहाँ पर आप सोट यमएल के ऊपर क्लिक करें तो आप अपने प्रोजेक्ट को रन कर लें जो सारी कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ उसके बाद ओके एंड यहाँ पर आप क्या कर लें स्ट्राइप जो है वो आपकी इम्पोर्ट कर लें ओके दिस वन नाउ अब यहाँ पर आपने क्या करना है आपने स्ट्राइप ओके स्ट्राइप और यहाँ पर आपने अपनी जो पब्लिश की है वो आपने यहाँ पर बता देनी है ओके जस्ट स्ट्राइप डॉट ओके यहाँ पर आपसे ये पब्लिश की है देखें ये पब्लिश की ओके okay, अब आपने इसको ये पब्लिश की जो है वो आपने असाइन कर देनी है ठीक है वो आपको कहाँ से मिलेगी वो आप अपने अकाउंट के ऊपर जाएंगे यहाँ से ये आपके पास डेवलपर अकाउंट है ओके okay? आप देख सकते हैं आपके पास ये आपकी पब्लिश की है ओके okay? आपने इसको कॉपी किया ओके okay, कॉपी करने के बाद आपने इसको यहाँ पर इस स्ट्रिंग के अंदर पेस्ट कर देना है ओके okay, ये आप देख सकते हैं हमने इसको स्ट्रिंग के अंदर आ, कर दिया ऐड नाउ एक चीज़ वाइल एडिंग द एंड्रॉयड कॉन्फ़िगरेशन मुझसे रह गई थी और वो ये है कि आपका ये जो एंड्रॉयड फोल्डर है ये ऐप ये सोर्स ओके सोर्स के अंदर ये आपके पास मेन फाइल है मेन के अंदर ये जो आपके पास रिसोर्सेज हैं ओके नॉट रिसोर्सेज दिस स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड के अंदर फिर आप देख सकते हैं ये आपके पास है मेन एक्टिविटी अब आपने इसको थोड़ा सा चेंज करना है ठीक है सो उसके लिए आपने क्या करना है उसके लिए आपने इम्पोर्ट करना है यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ताकि आपको यहाँ पर इशू ना हो सो मैं इसको यहाँ पर इसके साथ रिप्लेस कर देता हूँ मेक श्योर आप यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक ना करें ओके okay, यहाँ तक देखें सेम है फ्लटर फ्रैगमेंट एक्टिविटी इक, ठीक है ये अब आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है देन आप अपने एंड्रॉयड फोल्डर को यहाँ से क्लोज कर दें इसको भी क्लोज कर दें दैट्स इट ओके नाउ अब आपने अपने होम स्क्रीन के ऊपर चले जाना है ओके okay, जहाँ पर अब हम अपनी कोडिंग करेंगे सबसे पहले हम क्या करते हैं मैं यहाँ पर हमारा ये जो कॉलम है इसको मैं सेंटर कर देता हूँ मेन एक्सेस ओके okay, ताकि जो हम डिज़ाइन क्रिएट करेंगे वो सेंटर के ऊपर चला जाए मेन एक्सेस सेंटर डॉट क्रॉस एक्सेस इसको हम सेंटर के ऊपर ले जाते हैं ठीक है देन मैं एक बटन क्रिएट करता हूँ जिसके ऊपर हम टैप करेंगे तो फिर उस टैप करने के बाद हमें स्टाइप की जो पेमेंट मैथड है वो इंटीग्रेट करना है ठीक है क्रॉस अलाइनमेंट सेंटर ओके नाउ यहाँ पर अब हम एक कंटेनर विजिट ले लेते हैं ओके okay? कंटेनर दैन वी हैव इट्स चाइल्ड चाइल्ड के अंदर मैं सेंटर विजिट ले लेता हूँ अगेन दैन सेंटर विजिट का एक चाइल्ड होता है ओके एंड देन आप यहाँ पर टेक्सट विजिट को यूज़ करें ओके okay? दैन आप इसको यहाँ पर लिखें पे ओके एंड यहाँ पर आप इसकी डेकोरेशन भी कर लेते हैं बॉक्स डेकोरेशन ओके बॉक्स डेकोरेशन एंड कमॉन डेकोरेशन कलर इज गोइंग टू वी कलर स्टॉट कलर्स डॉट आई वुड सी ग्रीन ओके एंड यहाँ पर मैं अपने कंटेनर को विथ और हाइट जो है वह दे देता हूँ फिफ्टी एंड यहाँ पर मैं इसको विथ प्रोवाइड कर देता हूँ टू हंड्रेड पिक्सल ओके सो वी और रेडी यहाँ पर यह हमने मिस्टेक की है सो इट्स मेन एक्सेस अलाइमेंट ओके नाउ इफ़ इस कंटेनर को मैं व्रैप करता हूँ इंक विल विजिट के साथ ओके okay, इंक वेल well, जब मैं इसके ऊपर टैप करूँ मीन्स इस बटन के ऊपर अब मैं टैप करूँगा ओके okay, सो so हमने स्ट्राइप की पे, पेमेंट जो है उसको हमने इनिशिएट करना है ठीक है इन दैट सेट नाउ, यहाँ तक हमारा काम हो गया अब हमने अपना जो मेन फंक्शन है ओके okay, पेमेंट के लिए अब हमने वो लिखना है ठीक है सो इस अगेन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ सुपर ईजी एवरी थिंग इज सुपर ईजी ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट टू फॉलो मी ओके सो होल्ड ऑन a second. ओके okay, सो so, यहां पर आपने इसको ए सिंक कर देना है ए सिंक ओके वेट और यहां पर आपने इसको नेम दे देना है मेक पेमेंट ओके एंड सेमी अभी आपने फंक्शन क्रिएट नहीं किया विच इज गोइंग टू बी अ फ्यूचर फंक्शन ओके okay, सो so आप इसको यहाँ से नीचे आ जाएं और ये आपकी जो स्कैफ़ल्ड है स्कैफ़ल्ड बॉडी को क्लोज कर लें ओके okay, यहाँ पर आप आ जाएं फ्यूचर फंक्शन क्रिएट करें ओके okay, जिसकी रिटर्न टाइप है वो वाइड ओके जो कि आपको रिटर्न करेगा मेक पी ए वाई एम ई टी पेमेंट ओके एंड यहाँ पर ये यह जो ये मेक पेमेंट ओके एंड दैट्स इट एंड आप अपना फंक्शन यहाँ पर क्रिएट कर लें एंड आप नीचे आ जाए ओके नाउ इस अगेन इट्स गोइंग टू बी ए बिकॉज फ्यूचर ओके सो जिसकी वजह से आपको यहाँ पर एरर आ रहा था अब ये एरर आपका देखें रिमूव हो गया नाउ आप ट्राई कैच यूज कर लें बिकॉज देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास एक्सेप्शन आ जाए ठीक है स्ट्रो ट्राई कैच ओके एंड आप एक्सेप्शन यहाँ पर एक्सेप्शन को प्रिंट कर लें प्रिंट ओके एंड यहाँ पर एक्सेप्शन ओके स्ट्रिंग में एंड यहाँ पर आप इसको ई डा टू स्ट्रिंग ओके आई नो दीडियोज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग बट इट विल अगेन इट विल बी रियली हेल्पर यू गाइज इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड ओके ना अब आपने करना क्या है अब आपने एक पेमेंट इंटेंट यहाँ पर क्रिएट करना है ठीक है सो ये पेमेंट इंटेंट जो है हमारे लिए इनिशिएट करेगा ओके सो मैप ओके मैप एंड यहाँ पर आप इसको सॉरी मैप string okay and yahan par aap isko dynamic and then dynamic okay and then question mark and uh, yeah so payment p a y m e n t payment in tent data okay and then aap semicolon add kar de okay now ab yahan par aapne kya karna hai ab aapne yahan par code लिखना है ताकि हमारी जो payment है वो initiate हो, so payment in tent data is equal to वेट ओके यहाँ पर आप थोड़ा सा वेट करें और उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पर हम एक मैथड क्रिएट करते हैं नीचे आ जाए यहाँ पर इस फंक्शन के नीचे ओके सो यहाँ पर हम इसको कह रहे हैं कि आप जो पेमेंट इंटेंट है ओके क्रिएट क्रिएट पी ए वाई एम ई एन टी पेमेंट इंटेंट ओके एंड इसको हम दो पैरामीटर पास करेंगे स्ट्रिंग अमाउंट एंड स्ट्रिंग करेंसी ओके ओके, जस्ट लेट मी करेक्ट इंटेंट ओके एंड आपने ये जो यहाँ पर मेथड है इसको आप यहाँ पर इसको पास कर दें ओके एंड यहाँ इसके अंदर अब आपने क्या करना है आपने इसको uh, यहाँ पर आप आपने इसको प्राइस बतानी है ठीक है सो ट्वेंटी एंड जो आपकी करेंसी है वो यूएसडी में होगी ठीक है एंड देन आप यहाँ पर सेमी लगा लें ओके okay. सेमी लगा लें अब आप नीचे आ जाए ओके okay. ये स्ट्रिंग फॉर्म में ओके okay. अभी आपने यहाँ पर ये जो क्रिएट इन टी एन टी इंटेंट ये जो आपका क्रिएट इंटेंट मैथड है ना ओके okay. अब हम इसके अंदर इंटेंट क्रिएट करेंगे जस्ट होल्ड अ सेकेंड इंटेंट ओके सो लेट्स गो टू दिस क्रिएट इंटेंट ओके अगेन यहाँ से आप ट्राई एंड कैश को पहले कॉपी कर लें ओके एंड ए ट्राई के अंदर जो कोड है आप इसको रिमूव कर दें ओके okay. यहाँ पर ओके okay. नाउ मैप ओके मैप एंड देन आप यहाँ पर इसको okay, स्ट्रिंग ओके स्ट्रिंग ओके सो हमारे पास एरर आ रहा है बिकॉज यहाँ पर ये यह जो नेम है एंटी एंटी इंटेंट ये सेम नहीं है जिसकी वजह से आपके पास एरर आ रहा है ओके okay, सो so, स्ट्रिंग एंड यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं डायनामिक ओके okay. एंड यहाँ पर इसकी बॉडी हो जाएगी उसको आप नेम दे दें दे, बॉडी ओके विच इज़ गोइंग टू विच इज़ इक्वल टू दिस और यहाँ पर अब आपने क्या करना है आपने यहाँ पर मेक श्योर sure कि ये जो पैरामीटर की नेम है ये आपसे स्पेलिंग मिस्टेक ना हो ओके एंड यहाँ पर हम इसको पेमेंट पास करेंगे दैन वी हैव ओके सो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ आपने एग्जैक्ट इसको कॉपी कर लेना है ओके जस्ट टू सेव द टाइम ओके सो ये देख सकते हैं ठीक है ये मेक श्योर sure कि आपके पास यहाँ पर मिस्टेक ना हो अब यहां पर ये यह जो पेमेंट है ये हमारे पास एर यहां पर नहीं है तो हम क्या करते हैं मैं एक फंक्शन um, यहां पर क्रिएट करता हूँ कैल क्यू लेट ओके अमाउंट ओके जिसको मैं क्या करूँगा स्ट्रिंग प्रोवाइड करूंगा अमाउंट ओके एंड देन आप यहां पर ले लें फाइनल ओके प्राइस इज इक्वल टू इन डॉट पार्स ओके इन डॉट पास क्योंकि uh, क्योंकि हमारे पास ये स्ट्रिंग जो है ये स्ट्रिंग आ रही है सो हम इसको पास करेंगे ओके जस्ट दिस वन ओके अमाउंट मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर आप इसको हंड्रेड भी कर सकते हैं ओके okay? वैसे तो इसकी आई थिंक या जरूरत तो नहीं है एंड आप इसको रिटर्न कर दें प्राइस ओके एंड ये जो आपके पास कैलकुलेट अमाउंट है आप इसको यहाँ पर पास कर दें और ये जो आपके पास अमाउंट आ रही थी ये क्रिएट इंटेंट में आप इसको यहाँ पर ये एज अ पैरामीटर पास कर दें ओके नाउ द दिस थिंग इज डन नाउ व्हाट वी नीड टू डू यहाँ पर आपने सेमी कॉलन एड कर देना है और उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पर ओके वेरिएबल ओके वी ए आर रिस्पॉन्स इज इक्वल टू वेट और यहाँ पर आप हम आप, आप एच टी टी पी पैकेज हमने इम्पोर्ट किया था ओके okay? सो so, इसको मैं यहाँ पर क्या करूँगा इम्पोर्ट कर लूँगा इम्पोर्ट ओके एच टी टी पी ओके एज एच टी टी पी बिकॉज अब हम सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट भेजेंगे स्ट्राइप के सर्वर के ऊपर ठीक है सो एच टी टी पी डॉट ओके एंड देन आपने यहाँ पर पोस्ट ओके एंड यहाँ पर यू आर आई डॉट पार्स ठीक है स्ट्राइप स्ट्राइप के सर्वर के ऊपर हमने इसको पोस्ट करना है रिक्वेस्ट को सो so, यहाँ पर यू आर आई डॉट पार्स ओके एंड देन ये कॉलन एंड देन आपने यहाँ पर ये यह जो यू आर एल है जो कि स्ट्राइप की तरफ से प्रोवाइड किया गया है ओके okay? आपने इसको यहाँ पर स्ट्रिंग की फॉर्म में पेस्ट कर देना है देन आपने क्या करना है अब आपने जो आपकी पोस्ट रिक्वेस्ट है ओके सेमिकॉलन ओके अब आपने यहाँ पर सेमी कॉलन इसके अंदर आ जाना है ठीक है सो आई थिंक वी आर गोइंग वेट ओके सो यहाँ पर आप इसको ए सिंह कर दें जिसकी वजह से आपको एरर आ रहा था ओके नाउ इट्स वर्किंग फाइन अब आपने इसके नीचे आ जाना है अंदर ओके एंड यहाँ पर आपने इसको बॉडी प्रोवाइड कर देनी है ओके okay, बॉडी में आपने ये जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया था ये आपने इसको प्रोवाइड कर दी ओके okay? अब ये प्रोवाइड uh, करने के बाद आपने क्या करना है आपने यहाँ पर इसको हैडर्स पास करने हैं ओके okay, uh, अब यहाँ पर ये जो हैडर्स हैं ओके okay, यहाँ पर ओके okay, दे देख सकते हैं ऑथराइजेशन जो है इसके अंदर ये आपसे एक टोकन मांग रहा है एंड देन कंटेंट टाइप ओके ओके लेट मी चेक ओके सो यहाँ पर इशू आ रहा था या yeah, सो so आप देख सकते हैं जो हैडर्स हैं ओके हैडर्स के अंदर ये जो अब आपका टोकन है ना ऑथराइजेशन वाला दिस इज़ गोइंग टू बी दिस टोकन ओके मैं वापस जाता हूँ अपनी स्ट्राइप के ऊपर एंड ये जो आपका सीक्रेट की है ना ये जो आपकी सीक्रेट की है ओके okay? सो so ये यहाँ पर अब आपने इस ऑथराइजेशन टोकन से पहले ये स्पेलिंग लिखनी है ठीक है एंड यहाँ पर आपने ये टोकन ऐड कर देना अगर आप ये ऐड नहीं करेंगे तो आपके पास एरर आएगा और कंटेंट टाइप में आपने ये एग्जैक्टली सेम टू सेम लिखना है अगर ये आप नहीं करेंगे अगेन आई एम के आपके पास एरर आएगा ठीक है देन आपने यहाँ पर नीचे आके क्या करना है आपने यहाँ से कर देना है रिटर्न ओके जेसन ओके जेसन जेसन ओके जेसन डिकोड एंड डिकोड में आके आपने यहाँ पर इसको रिस्पॉन्स जो आपके पास रिस्पॉन्स आ रहा है ठीक है रिस्पॉन्स dot body dot टू string, okay and अगर आप यहाँ से इसको return करवा दें okay अगर आपके पास exception आएगी तो उसको हम catch कर लेंगे ठीक है Now अब ये हो गया okay? Now let's go back to our make payment. अब यहाँ पर हमने पेमेंट क्रिएट पेमेंट कर दिया, उसको कॉल कर लिया ओके okay? लेकिन जब हमारी पेमेंट हो जाएगी तो उसके बाद हमने क्या करना उसके बाद हमने डिस्प्ले uh, करनी है शीट को ठीक है कि जो हमने यहाँ पर किया था शीट अब हमने डिस्प्ले करनी है ठीक है सो so, यहाँ पर आप आ जाएं और अगेन लिखें वेट स्ट्राइप डॉट इंस्टेंस ओके स्ट्राइप डॉट ऑन स्ट्राइप डॉट ओके सो आई थिंक हमने इसकी लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करना था स्ट्राइप डॉट इंस्टेंस डॉट इनिशिएट पेमेंट शीट ओके दिस वन ओके सो यह अब आपके पास आ गया ओके okay, अब आपने यहाँ पर क्या करना है इसको प्रोवाइड करना है सेटअप ओके ओके जस्ट मी सेटअप ओके एस इट सेट कम समप पेमेंट पैरामीटर्स ओके पेमेंट पैरामीटर्स के अंदर आपने क्या करना है यहाँ पर आ जाना है ओके एंड देन आपने इसको पेमेंट ओके पेमेंट इंटेंट क्लाइंट ओके एंड यहाँ पर पेमेंट इंटेंट डेटा जो हमने ऊपर क्रिएट किया था ओके पेमेंट इंटेंट डेटा या ठीक है ये और इसके अंदर अब हमारे पास वैल्यू आ चुकी होगी विच इज़ नॉट इक्वल टू बी नल एंड यहाँ पर अब आपने इसके अंदर क्लाइंट की जो सीक्रेट की है ओके okay, जब आप कार्ड क्रिएट करेंगे ना जब इसके ऊपर आएगा तो वो आपने यहाँ पर प्रोवाइड करनी है मेक श्योर ये आप स्पेलिंग मिस्टेक ना करें ठीक है ये ठीक है अब ये आपके पास आ गया और यहाँ पर अब आप प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आप एप्पल पे एप्पल पे यहाँ पर इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो उसको आप ट्रू कर दें एंड यहाँ पर आप लेट सपोज गूगल पे करना चाहते हैं आप उसको भी ट्रू कर दें ओके एंड देन आप यहाँ पर इसके स्टाइल भी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं विच इज़ थीम मोड ओके आप इसको थीम मोड डॉट डॉट कर सकते हैं ओके एंड यहाँ पर आप मर्चेंट जो कंट्री है वो भी आप बता सकते हैं सो so मैं इसको यूज़ कर देता हूँ ओके okay? यू एस बॉय डिफॉल्ट एंड देन आप यहाँ पर मर्चेंट डिस्प्ले मर्चेंट का जो नेम है वो भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं ठीक है सो ओके काम मर्चेंट डिस्प्ले नेम इज ऑसफ ओके एंड देन दैट्स इट ओके अब अब इस फंक्शन के बाद आपने क्या करना है आपने यहां पर डिस्प्ले करना है पेमेंट सी को ठीक है ओके डिस्प्लेके पेमेंट ओके पी ए वाई एम ई पेमेंट ओके शीट एंड आपने यहाँ पर इसको सेमी कॉल इन कर देना है सो so ये फंक्शन हमने नहीं क्रिएट किया हम इसको क्रिएट कर लेते हैं ओके okay, सो so आपने यहाँ पर इसी के नीचे आ जाना है ओके okay? एंड यहाँ पर अब आपने इसको पेस्ट कर देना है ओके एंड देन आप यहाँ पर इसको ए सिंक अगेन यहाँ पर मैं ट्राई कैच यूज़ कर लेता हूँ जल्दी जल्दी से ओके ताकि हमारे पास कोई भी एक्सेप्शन हो तो वो कॉट हो जाए ओके बचनी नहीं चाहिए सो प्रिंट ई डॉट टू स्ट्रिंग ई डॉट टू स्ट्रिंग ओके ना नाव दैट वी और ऑलरेडी ऑलमोस्ट डन बट वी नीड टू स्टिल शो सम ऑफ़ द वर्क हेयर ओके वी नीड टू डू सम ऑफ द वर्क हेयर ओके अगेन आप यहाँ पर आ जाएँ ओके okay, एंड आप लिखें स्ट्राइप डॉट ओके स्ट्राइप डॉट इंस्टेंस कम ऑन आय ऑन वाइल आट स्टूडियो टेकिंग टू मच टाइम प्रेजेंट पेमेंट गूगल शीट ओके प्रेजेंट पेमेंट शीट एंड देन आप इसको यहाँ पर पैरामीटर पर प्रोवाइड कर दें प्रेजेंट ओके पी आर ई एस ई एन टी प्रेजेंट कम ऑन प्रेजेंट कम ऑन प्रजेंट ओके प्रजेंट प्रेजेंट पेमेंट पैरामीटर्स ओके दैन आप यहाँ पर इसको ओके दिस कॉट डेब्रीगेटेड बट वी कैन स्टिल यूज़ इट एंड आप यहाँ पर सैमी कॉलन एड कर दें और आपका जो क्लाइंट का सीक्रेट है जो कि आपने यहाँ पर देखें ये इसको बताया था ओके okay? यहाँ से ये देखें ये मेक पेमेंट फंक्शन है इसके नीचे यहाँ से आप इसको कॉपी कर लें ताकि आपके पास मिस्टेक uh, ना हो ओके सो कन्फर्म कन्फर्म पेमेंट ओके एंड अब आप इसको कर देते हैं ट्रू ओके डन एंड नाउ आपने क्या करना है आपने यहाँ पर जब आप ये आपके पास कंप्लीट हो जाए तो अब आप आपने इससे इससे बाहर आ जाना है और यहाँ पर सेट स्टेट कर देना है जो आपका पे आप पेमेंट इंटेंट है ओके okay? ये वाला इसको आपने नल सेलेक्ट कर देना है ठीक है ताकि एन यू डबल एल ओके आपके पास नल सेलेक्ट हो गया नाउ अब यहाँ पर हमारी जो पेमेंट वो अगर हो चुकी है तो अब हमने उसके क्या उसके साथ क्या करना है ओके okay? सो so, उसको अब हमने यहाँ पर मैसेज शो करवा देना है यहाँ पर स्कैफल्ड के अंदर ये या yeah, एग्जैक्टली exactly आप इस तरह कर सकते हैं ठीक है so, सो यहाँ पर आप लिख दें पेड सक्सेसफुली एंड एंड इन केस वी हैव सम इन अदर एक्सेप्शन ओके सो यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्राइप की अपनी एक्सेप्शन है सो so वो भी हम कैच कर लेते हैं ठीक है सो आप इसको यहाँ पर ये यह जो आपके पास कैच है आप इसको यहाँ से रिमूव कर लें एंड यहाँ ये वाली एक्सेप्शन जो है वो ऐड कर दें ओके सो यहाँ पर आप आ जाए ऑन स्ट्राइप ओके कम ऑन एस टी और आई पी स्ट्राइप एक्सेप्शन दिस वन ओके एक्सेप्शन ओके एंड यहाँ पर आपने क्या करना है कैच करना है सी ए टी स्कैच ओके देन आप नीचे आ जाएं ओके स्ट्राइप नॉट स्ट्राइप आरर स्ट्राइप एक्सेप्शन ओके सो जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड एक्सेप्शन दिस वन ओके एंड आप यहाँ पर प्रिंट कर दें इस एक्सेप्शन को ओके पी आर आई एन टी प्रिंट यूज़ दिस ई ओके ई डॉट टू स्ट्रिंग यह आपकी एक्सेप्शन जो है यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी नाव आपने क्या करना है अगेन यहाँ पर ये कैच जो है यहाँ पर अगेन आ जाए ओके एंड ओके सो अगेन आप यहाँ पर एक्सेप्शन यूज़ कर लें ओके आई थिंक वी डोंट नीड दिस एनी मोर सो यहाँ पर आप हमने क्या करना है एक हमने डायलॉग शो कर देना है अगर लेट सपोज एक्सट्रा पेमेंट एक्सेप्शन जो है हो? वो आ जाती है और कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पर ये यह जो आपने डायलॉग है इसको कर देना है प्रिंट ओके नाउ वी आर डन विद द कोड फेस सो लेट्स रन इट एंड सी आपने ये सारा कोड लिखने के बाद इसको अगेन दोबारा से रन करना है देर इज अ पॉसिबिलिटी आपके पास की जितनी भी चेंजेस आपने कर रखी हैं वो uh, ना पिक करें ओके सो मेक श्योर कि आप इसको दोबारा से रन कर लें ओके okay, सो so मैं इसको रन करता हूँ एंड लेट्स सी वॉट हैपन्स ओके सो एज़ यू कैन सी और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है बट मैंने यहाँ पर दो मिस्टेक की हैं और वो ये है आपकी जो डिस्प्ले पेमेंट शीट है आपने इसको यहाँ पर वेट करवाना है जब तक आपके पास रिस्पॉन्स नहीं आ जाता ओके okay? ये आप देख सकते हैं आपका जो डिस्प्ले पेमेंट शीट का फंक्शन है ओके okay? यहाँ पर आपने इसको वेट करवाना है सेकेंड जो हमने मिस्टेक की है वो ये है जो हम ये प्राइस कैलकुलेशन कर रहे हैं ये हम इसको स्ट्रिंग पास कर रहे हैं बट यहाँ पर हमारे पास इंटीजर आ रहा है सो तो आप इसको यहाँ पर स्ट्रिंग कर दें ओके यहाँ पर टू स्ट्रिंग कर दें एंड देन आप इसको सेव कर लें ओके जब आप इसको सेव करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट ऑलरेडी रन हो चुका है ओके सो तो आपने इसको सिंपली क्या करना है आपने इसको सेव कर लेना ओके देखें ये रिलोडिंग हो चुकी है अब आप वापस जाएँ एंड आप इसके ऊपर टैप करें पे ओके सो तो जब आप पे के ऊपर टैप करेंगे तो ये देख सकते हैं आपका जो पेमेंट ऑप्शन uh, है वो यहाँ पर आपके पास आ चुका है ठीक है नव no, आपके पास यहाँ पर टेस्ट कार्ड नंबर फ़ोर टू फोर टू फोर टू फोर टू फोर टू आपके पास अवेलेबल है ओके मेक श्योर कि ये फोर टू फोर टू ही हो ओके एंड देन आप इसको सी सी वी सी वन टू थ्री यहाँ से आप अपना कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपका जो पोस्टल कोड है वो आपने ऐड कर देना है ओके सो यहाँ पर मैं ओके यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ ओके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओके डन देन आपने यहाँ पर इस पे के ऊपर क्लिक करना है ओके सो यू विल सी कि आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो हो चुकी है ओके okay? ये आपकी ट्रांजेक्शन हो गई है एंड आप इसका रिकॉर्ड जो है वो आप अपनी स्ट्राइप की यहाँ पर इवेंट और जो आपके लॉग्स हैं ओके okay? इन लॉग्स के अंदर आप देख सकते हैं ओके okay? ये देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर आपकी जो स्ट्राइप की पेमेंट जो हो चुकी है वो उसके सारे लॉग्स आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं ठीक है सो आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं रिफ्रेश करें और यहाँ पर आपके पास सारी डिटेल्स वगैरह आ जाएंगी जो भी आपने पेमेंट्स की हैं ठीक है इनदर मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ इस, इसको एंड करने से पहले ओके okay, सो so, ये सारा तो ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका जो मेन मिस्टेक आप लोग करते हैं आपने क्या करना है आपकी जो बिल्ड डॉट ग्रिडल फाइल है ओके यहाँ पर कोटलिन वर्जन 1.5 यूज करना है देन आपके पास ये जो एंड्रॉयड है ओके okay, ओके okay, फर्स्ट ये देन आपके पास ये जो बिल्ड डॉट या यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन फाइल और ये जो आपके पास एंड्रॉयड है एंड्रॉयड के अंदर ऐप ऐप के अंदर जो बिल्ड डॉट ग्रेटर फाइल है यहाँ पर आपने मिनिमम एस जो है वो ट्वेंटी यूज करनी है देन आपके पास सोर्स के अंदर यहाँ पर मेन ओके मेन के अंदर ये जो काटलैंड है कॉटलैंड के अंदर आप देख सकते हैं ये मेन एक्टिविटी है यहाँ पर आपने इसको आपकी फ्लटर आपकी मेन एक्टिविटी आ रही होगी आपने इसको रिप्लेस करना है फ्लटर फ्रैगमेंट एक्टिविटी और इसको इम्पोर्ट करना है आईओ डॉट फ्लैटर डॉट बैडिंग डॉट एंड डॉट फ्ल्टर फ्रेगमेंट एक्टिविटी ओके सो दैट्स इट एंड आपके ये इसको आईओ एस के लिए भी टेस्ट कर सकते हैं उसके ऊपर भी ये कंप्लीटली फाइन वर्क कर रहा है ठीक है सो होपफफुल आपकी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपकी वीडियो पसंद आई लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें सी इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच